मैं बीच में आने से टाइम कम होने की वजह से बाहर से माथा टेक के चला जाता था। पिछले साल ये मेरे को मिला और जबकि मेरे साथ परिचय नहीं था भाई से, तो इसने मेरे से बोला भैया आप आते हो आप बाहर से माथा टेक, मैंने कि भाई जल्दी जल्दी होती है ना भागदौड़, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। कह रहा यहाँ तक आते हो थोड़ा वहाँ तक भी चले जाया करो। तो मैं रेगुलर मंदिर आता था लेकिन शिवालय मंदिर उधर नहीं आ पाता था, तो बाहर से हाथ जोड़ के जाता था, लेकिन इसके कहने पे फिर दोबारा से मंदिर अंदर जाने लगा। प्रभु भंजन भव भी त्राही त्राही आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। अस कही करत धन देखा तुरत उठे प्रभु हरस देखा, दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारे बोले भगत भय हारे, कहूँ लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसऊ दिनु राति सखा धर्म निभ के भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति अति निपुण न भाव नीति। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो करना। हनुमान जी के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। लगभग 250-300 साल पुराना यह मंदिर है। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है। एक बाबा जी यहाँ थे और उन्होंने हनुमान जी की यहाँ स्थापना की और हनुमान जी के एक परम भक्त से मुलाकात हुई है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी आप यहाँ अक्सर आते हैं? मैं बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से आ रहे हैं? मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब छोटे से थे तब से आ रहे हैं और इतने साल हो गए, मतलब लगातार आना ही आना है। मतलब बाजार, छोटे बाजार का मतलब हनुमान मंदिर। अच्छा, छोटे बाजार का शाहदरा, छोटे बाजार का मतलब हनुमान जी का। सबसे बड़ी बात इस मंदिर में ना, जो आप मूर्तियाँ देखोगे जितनी भी हैं, मतलब इतना तेज है, मतलब जो सेवा होती है ना यहाँ पे, वो भाव इतना ज़्यादा है, जागृत है पूरी सारी मूर्ति। मतलब देख के ना फील करता है। आप देखो एक एक ड्रेस देखो, एक एक श्रृंगार देखो, मतलब चाहे हनुमान जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे राधा कृष्ण का हो, एक लड्डू गोपाल जी भी हैं इनके बड़े, बहुत बड़े से, जब वो लगाते हैं, मतलब हर रोज़ मतलब आप देखोगे एक नई झांकी सी होती है, आनंद इतना आता है, मतलब यहाँ पे एक अलग सी तृप्ति सी है, मतलब भक्ति भाव का ना अपने। यानी आप जब थोड़े बड़े हुए तो आपने यहाँ के हनुमान जी की महिमा सुनी अपने घर वालों से, उसके बाद आना शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी मैं कुछ दिन पहले बाजार वालों से पूछा था, मैंने कि भाई साहब ये बाजार, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ ये मंदिर कितना पुराना है। अच्छा, सच बता रहा हूँ, मैं अभी पूछा था तो कह रहे भाई साहब हम आ रहे दादा परदादा भी देखते आ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं बता सकते कब कितना पुराना है, लेकिन ये बहुत पुराना है। सबसे बड़ी बात बाजार के लोगों ने कहा। मैंने अभी हफ्ते भर पहले ही पूछा था, क्योंकि मेरी जिज्ञासा थी, मैं बचपन से देख रहा हूँ तो मालूम तो करूँ, ये तो पता था पुराना था, लेकिन ये नहीं पूछा कभी कितना पुराना था। अच्छा, दर्शन आप बचपन से करते? हाँ, बचपन तो बचपन से ही करता रहा हूँ। यहाँ की महिमा पहले से जान रहे थे आप? महिमा तो ऐसी है जी, बस मैंने यहाँ आके ना, मतलब एक अलग तरह की तृप्ति होती है, मतलब शांति मिलती है ना, और हनुमान जी का तेज देखो ऐसा है, साक्षात आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए सब भक्तों को। तो आप बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट है? एडवोकेट है जी, बस ये कि भगवान की भक्ति बुलाती है, और इनके अब ये इनके पिताजी पंडित जी के मेरे मित्र थे, एक क्लास में पढ़ते थे, अब ये इनसे भी हमारा वो हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, तो मतलब हमारा बहुत, यानी कि परिवार से भी जुड़ गए, वैसे भी जुड़ गए, मतलब जुड़ते ही जा रहे हैं। इनके मित्र भी मेरे भाई, मेरे दोस्त के मित्र हैं, मतलब बच्चा है उनका वो। पंडित जी के पिताजी आपके मित्र हैं? हाँ, पंडित जी के पिताजी और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे पहले, तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब जाके पता लगा बच्चा भी इतना, जो उसकी ड्रेसिंग सेंस देखता था मैं इनकी, पंडित जी की, तो मैं बड़ा गौरवान्वित होता था कि जैसे आजकल की यंग जनरेशन होती है, बेसिकली ये भी एडवोकेट वकालत कर रहे हैं ये भी, हाँ, और लास्ट ईयर चल रहा है इनका, लेकिन मैंने देख के मुझे नहीं पता था, लेकिन जो धोती कुर्ता पहन के और वो पहन के आते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं मेरा बड़ा मन करता था मैं भी अपनी धोती कुर्ता इन चीज़ों को अपनाऊं या देखूं, लेकिन मैं सोचता रह गया
लेकिन ये अपने कर गया। ऐसी मेरे एक मित्र है, वो भी हाई ड्यू लॉ फैकल्टी का टॉपर है। एक दिन वो कोर्ट में आया, वो भी धोती कुर्ता में और कोट वोट पहन के आया और चोटी रख रखी, और वो डीयू का टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ पे। अब मैं उसे देख के हैरान हो गया, मैंने भाई तो कोर्ट में ऐसे धोती में क्यों आया? कह रहा भाई अपनी कल्चर को अपनाने में हम क्यों शर्म करें? कह रहे हम ही अपनी ड्रेसों को पहनने में शर्म करेंगे तो हमें अपनी चीजों से क्यों वो करना चाहिए तिरस्कार? हम अपने आप को छोटा क्यों समझे? तो ऐसे मतलब जैसे इनका है पंडित जी का, मतलब इन्होंने यंग जनरेशन होने के बाद कॉलेज भी जाते हैं, एडवोकेट भी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं और हाई फाई इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अपनी संस्कृति को अपने सनातन धर्म के प्रति ये समर्पित हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। जो हम सोचते रह जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, इनको देख के और अच्छा प्रेरणा मिलती है। वकील साहब, चूँकि आप लोग तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फैक्ट्स में ही पूरा एक तरह से जीवन उसी से चलता है, उसी के इर्द गिर्द रहता है। हनुमान जी तो संकट मोचन, संकटों से छुड़ा लेते हैं मनुष्य को, आपका जीवन का अनुभव क्या कहता है? मेरा तो ये रहा है जी, जो भक्ति है ना वो तर्क का विषय नहीं है, भक्ति जो है वो समर्पण का विषय है, समझ रहे हो जी? भक्ति भाव का विषय है। आप देखो जो भी हमारा सनातन धर्म है वो साइंस पर टिका हुआ है। लोग इसे मतलब हर रोज़ देखता हूँ आजकल, हर रोज़ गाली बक रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म ना मिटा है ना मिटेगा, समझ रहे हो जी? क्योंकि सृष्टि जो है वो शिव तत्व है, ठीक है? शिव का मतलब है वो कहीं भी हर जगह विद्यमान है, ना ना वो उसका आदि है ना अंत है, ना वो अच्छा है ना बुरा है, वो अच्छे में भी है बुरे में भी है, समझ रहे हो जी? वो अनंत है और इसीलिए उन्हें अनादि बोलते हैं। और ये हनुमान जी साक्षात शिव का अंश है, समझ रहे हो जी? भगवान शिव का ही अंश है। मतलब आज देखो, और यही एक है आज की डेट में जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है अमर होने का, और ऐसे और तीन चार ऐसे परशुराम जी भी है और अश्वत्थामा भी, मतलब अलग अलग है, मतलब 8-10 जने हैं जो हमेशा इन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, ये अमर है, ये सप्त चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी है। अच्छा वकील साहब, कुछ आपने कहा कि बचपन से आप इनसे दर्शन करते हुए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अब जो कि भक्तों की जिज्ञासा आ रही होगी आपको देख करके, कि आप हनुमान जी का सुमिरन करके हनुमान जी से प्रार्थना करके ही निकलते होंगे, भले ही वो कोर्ट का कार्य। मेरा पता क्या आदत ही हो गई है, क्योंकि हमारे संस्कार में मेरी माता जी बहुत पूजा करती हैं, मतलब माता जी को देखता हूँ सुबह शाम भगवान की पूरी भक्ति भाव से पूजा करती हैं, और उनका एक ही था कि बेटा कुछ भी करना, तुम्हारा जो मन करना है वो करो, लेकिन कभी भी ना हाय का पैसा मत कमाना, मतलब किसी का दिल ना दुखे, पैसा लेते हुए चाहे तुम पूरा पैसा लो, लेकिन कभी भी वो पैसा मत लेना जिसे देते हुए किसी की आत्मा दुखे, मजबूरी के फायदा ना। हाँ, मतलब ये चीज़ मैंने सीखी, और वो चीज़ हमारे घर में पूजा पाठ का बहुत है, और मेरे भी सुबह शाम जब भी निकलता हूँ घर में तो पूजा करता ही हूँ, बिना जोत जलाए मैं जाता आता नहीं, लेकिन जब तक मंदिर भी नहीं आता ना मेरे को तृप्ति नहीं। और एक मैं अपने भाई से और मिलवाता हूँ, इधर आओ भाई, शर्मा मत, इधर आ। मैं बहुत दिन से ना मैं मंदिर आता था, इधर आइए इधर, तो मैं बीच में आने से टाइम कम होने की वजह से बाहर से माथा टेक के चला जाता था। पिछले साल ये मेरे को मिला, और जबकि मेरा सब परिचय नहीं था भाई से, तो इसने मेरे से बोला भैया आप आते हो आप बाहर से माथा टेक, मैंने कि भाई जल्दी जल्दी होती है ना भागदड़ में, ऐसे ही चला जाता हूँ। कह रहा यहाँ तक आते हो थोड़ा वहाँ तक भी चले जाया करो, तो मैं रेगुलर मंदिर आता था लेकिन शिवालय मंदिर उधर नहीं आ पाता था, तो बाहर से हाथ जोड़ के जाता था, लेकिन इसके कहने पे फिर दोबारा से मंदिर अंदर जाने लगा। कोई ना कोई रूप में भेज देते हैं इंसानों को, अगर वो बुलाना चाहेंगे तो बुलाते हैं। अब मान लो इसने इतना प्रेम दिया भाई ने, उस भाई ने इतना प्रेम दिया, और वो जबरदस्ती फिर मेरे को अंदर बुलाया, जैसे मैं बाहर से माथा टेक के चला जाता जरूर था लेकिन बाहर से, फिर इनने बोला भाई ने, तो फिर अंदर फिर मैं माथा, अब मैं रेगुलर अंदर जाता हूँ, तो अब इसका भी प्रेम इतना, फिर भाई ने कि भगवान बुला रहे भाई, किसी ना किसी रूप में बुला रहे जाओ, और कहते ना नाम निकलने का मतलब है बड़े पुण्य कर्म करें कि अगर आपके मुँह से भगवान का नाम निकल रहा है। एक आखिरी जिज्ञासा आपसे फिर आते हुए कुछ बात कर लेते हैं, कि व्यक्ति जब संकट में होता है तो हनुमान जी का ही ध्यान आता है, कुछ ऐसा आपके स्मरण में आ रहा हो या बहुत सारे आपके क्लाइंट्स भी होंगे जहाँ संकट की स्थिति थी और हनुमान जी ने उन संकटों से निकाल दिया, ऐसा कोई स्मरण में आपके आ रहा हो? देखो जी, जो ये हनुमान जी का नाम है ना, अतुलित बलधाम, ठीक है ना, संकट मोचन, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे, मतलब ये नाम ही इतना अपने आप में बलशाली है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब इसका इनका नाम सिमरन करने से ही आप कितने भी मतलब वैसे हो, अंधकार वाले इलाके में हो, कितने संकट वाले उसमें हो, जो आत्मबल मिलता है ना आदमी को, देखो भगवान क्या है, हम ना आपने देखा ना हमने देखा ना किसी ने देखा, लेकिन जो उनके नाम में इतनी ताकत है, जो आदमी उनको सिमरन करता है, जो मानता है, मतलब भक्ति मतलब भाव का विषय है, तर्क का विषय नहीं है, जो मैंने पहले भी बोला, मतलब जैसे ही आप उनको धारण करते हो, नाम लेते हो, तो आप में अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है, नेगेटिविटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अब मतलब भगवान का साथ होने का आपको एहसास होता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है।
जब साथ हैं तो जब महाबली आपके साथ हैं तो फिर संकट किस बात का, समझ रहे हैं जी? संकुच दिन रघुना जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, अस प्रभु छारि भजन जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ दिसाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक, सुनु कपीस लंका पति वीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दूस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तद्यपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधार, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, सखा कही तुमने के उपाय, करिय देव जो होई सहाय, मंत्र नल लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराए, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट जब डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित तिन्ह देखे दे, धरे कपट कपि दे, सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर ले, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, प्रगट बखान ही राम सुभाव, अति प्रेम गा
अति स प्रेम गाभी सरी धुराओ रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधी कपीस पहियाने